हेलो एसजीटीबी स्टूडेंट्स, आई एम जसप्रीत फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल NH9 डिंगरोड सिरसा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज वर्ड मीनिंग एंड बुकवर्क ऑफ चैप्टर 9। नेम ऑफ द चैप्टर इज एन ऑबिडियंट सन, मीन्स एक आज्ञाकारी बेटा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग, फर्स्ट वर्ड इज ब्लाइंड। ब्लाइंड मीनिंग इज अनेबल टू सी। अनेबल टू सी, ब्लाइंड मीन्स अंधा, जो देख नहीं सकता। नेक्स्ट इज स्ट्रक, मीनिंग इज हिट। स्ट्रक हिट, स्ट्रक मीन्स मारना। नेक्स्ट इज ऑबिडियंट। ऑबिडियंट आज्ञाकारी, मीनिंग इज वन हु ऑलवेज ऑबेज अदर्स। अगेन वन हु ऑलवेज ऑबेज अदर्स। नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज श्रवण कुमार वॉज एन ब्लैंक सन। श्रवण कुमार कैसा बेटा था? ऑबिडियंट, फेथफुल, कॉवर्ड था। सो कैसा था श्रवण कुमार? ऑबिडियंट सन था। वैसे ही आपको बाकी टू टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, आपको रिवाइज करने हैं। आफ्टर दैट ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज श्रवण कुमार्स पेरेंट्स वर वेरी ओल्ड एंड वीक, कि जो श्रवण कुमार के माता पिता थे वो बहुत बूढ़े और कमजोर थे। सो क्या आएगा? True, okay. श्रवण कुमार promised his parents to fulfill their wish. श्रवण कुमार ने अपने parents को promise किया था कि वह उनकी wish को पूरा करेगा। किया था promise, so क्या आएगा? True. वैसे ही आपको next three करने हैं। उसके बाद है pick the words in the given longer words। जैसे आपको यहाँ पे लॉन्ग वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से आपको शॉर्ट वर्ड्स निकालने हैं। जैसे कि वंस, O-N-C-E, वंस, उसमें हमें इससे शॉर्ट वर्ड कौन सा है? O-N, ऑन। फिर है सम, S-O-M-E, इसमें से शॉर्ट वर्ड्स निकालने हैं। एक तो बन रहा है सो, S-O, सो। फिर है मी, M-E, मी। आफ्टर दैट हियर्ड, हियर्ड में से हियर एंड ईयर, ईयर। फिर है पेन, पेन में क्या है? शॉर्ट वर्ड इन, IN, इन। आफ्टर दैट ब्रिंग, ब्रिंग में है रिंग। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड में एक तो है ब्लेस और है लेस। फिर है टॉल्ड, टॉल्ड में टू, टीओ टू, एंड ओल्ड, OLD, ओल्ड। फिर है अबाउट, अबाउट में आउट, ओके। आफ्टर दैट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द कलर्ड वर्ड्स। इसमें हमने क्या करना है? सेंटेंस को दोबारा राइट करना है, जो कलर्ड है उसे हमने शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। जैसे इट इज रेनिंग हैविली, तो हम इट इज की शॉर्ट फॉर्म इट्स रेनिंग हैविली, ओके। सुमित इज नॉट वेल, सुमित इज नॉट वेल। ही इज फीलिंग वेरी कोल्ड, ही इज कलर्ड है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? ही इज फीलिंग वेरी कोल्ड, ओके। नेक्स्ट है आई एम ऑल्सो लिविंग फॉर द बस स्टॉप। सो आई एम की शॉर्ट फॉर्म आई एम ऑल्सो लिविंग फॉर द बस स्टॉप, ऐसे आपको राइट करने हैं जैसे यहाँ राइट किए हुए हैं, ओके स्टूडेंट्स।